हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्लैट टूर का वीडियो बनाने वाले हैं और कैसा क्या फ्लैट है। और एक्चुअल में टाइम नहीं मिल पाता तो उसकी वजह से साफ़ सफाई या मैनेजमेंट कितना क्या है, तो वो भी एक्चुअल में मैंने बिना साफ़ सफाई के बना रहा हूँ। मैं जैसा रोज़ रहता है वैसा ही बना रहा हूँ, सो आपको पता लग सके कि एक्चुअल में टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। कभी कभी झाड़ू वगैरह लगा लेता हूँ, बाकी वो टाइम नहीं मिल पाता तो फिर नहीं करता मैं कुछ। तो देखते हैं फ्लैट कैसा है और कहाँ सिचुएटेड है, जो भी ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से एंट्री गेट है फ्लैट का, देन उसके बाद ये किचन है जो कि यूज करता नहीं मैं, क्योंकि खाना बाहर से खाता हूँ। ये चीज़ें पड़ी है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये है सोफे और एक बिल्डिंग में सिचुएटेड है। और यहाँ प्रीपेड जो है लाइट का रिचार्ज होता है, जिसका सिस्टम कुछ यूँ है। और ये सोफे लगे हुए हैं। इसके अलावा ये एक चेयर, कुछ चेयर्स लगी हुई है, एक टेबल लगी हुई है। पर्पज़ पढ़ाई का होना चाहिए, बट टाइम इतना है नहीं कि पढ़ सके। बाकी ये जो है बालकनी है, और कितनी गंदी है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हर बिल्डिंग की ये हालत होती है। जो कबूतर वगैरह होते हैं वो गंदा कर जाते हैं यहाँ। तो ये बिल्डिंग हम बालकनी में जाके देख लेते हैं। ये आप बालकनी में देख सकते हैं नज़ारे। तो ये बालकनी थी बिल्डिंग की। और इसके बाद ये रूम है जो कि ज़्यादातर टाइम ऐसा ही मिलेगा बिखरा हुआ, क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं कि वो साफ़ सफाई करके जा सकूं। बाकी इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो ये है कि एक तो इसमें एसी लगा हुआ है, लेकिन सर्दियां हैं तो ये भी काम नहीं आने वाला। देन उसके बाद में गीज़र लगा हुआ है जो कि सर्दियों के लिए अकॉर्डिंग ठीक है, यूजफुल है। बाकी ये बेड है जो कि बिखरा हुआ मिलेगा, और लाइट पंखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप देख लिया आपने, सोफ़े वगैरह। और एक आरओ था जो मैंने दिखाया होगा स्टार्टिंग में किचन में, ये आरओ है। तो ये है 1 BHK है, अपने लिए ठीक है। सो ये एक छपकली भी रखी है हमने घर में। सो ये फ्लैट था जो मैंने नया रेंट पे लिया है। तो कैसा क्या था एक्चुअल दिखाया है कि मैं ये भी कर सकता था कि एक दिन के लिए साफ़ सफाई करके वीडियो बना के डाल देता, बट जैसे एक्चुअल पे रहता है इतना टाइम मिल पाता है तो शाम को लेट तक आए, सुबह 9:30 तक जाना होता है। 7:30 उठे हैं, उसके बाद में तैयार व्यार होने में टाइम लग जाता है। तो ये है एक्चुअल में। और आपको कमेंट करना आप लोग इसको कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ और कहाँ टाइम बचा के साफ़ सफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके कमेंट ज़रूरी हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इसके अलावा पिछले जो वीडियो था मैंने SBI PO के वर्कलोड के बारे में डाला था, तो उस पर काफ़ी वेरिएशन वाले कमेंट आए, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। और जो नेगेटिव जिन्होंने किए उनको अभी फेस किया नहीं उन्होंने चीज़ें, तो बाकी जिन्होंने जिनके फैमिली में या फिर कहीं ना कहीं जिन्होंने फेस किया है या वो खुद इस सेक्टर में हैं तो उनको पता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। बट कोई नहीं, सारे कमेंट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आगे करूँगा बहुत जल्दी, और काफ़ी खुशी वाली अनाउंसमेंट्स हैं। सो जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें।
टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं दिनेश बैंकर के नाम से। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, IMARJUN05 आईडी मेरी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, थैंक्स अ लॉट गाइज।